क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, मन ही नहीं आप वैसा ही तन भी पाते हैं। अगर आप स्वस्थ आहार लेते हैं तो सेहत भी अच्छी रहती है। वैसे भी आज बदलती जीवन शैली की वजह से लोग डायबिटीज, दिल के रोग, स्ट्रोक, थायराइड और मोटापे जैसी समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप भले ही कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें। ये उस समय बहुत जरूरी हो जाता है जब आप तेजी से वजन कम करने के लिए नुस्खे तलाश कर रहे हो, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए उपाय जानना चाह रहे हैं, या फिर किसी दूसरी सेहत से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो अच्छी सेहत के लिए आपको आहार में पोषण तत्वों को शामिल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए लोगों को अक्सर ड्राई फ्रूट खाने की सलाह दी जाती है। और जब बात होती है ड्राई फ्रूट की यानी मेवे की, तो बादाम का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम ड्राई फ्रूट्स के राजा बादाम की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए बादाम सेहतमंद नहीं होता है? कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें बादाम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं बादाम के फायदों पर और उसके नुकसानों पर। तेजी से वजन कम करने में मदद करता है बादाम। बादाम वजन कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना जरूरी है कि आप इसे नियंत्रित मात्रा में खाएं। असल में बादाम आपको ओवर ईटिंग से बचाता है। अगर आप बादाम खाते हैं तो आपको पेट के भरे रहने का एहसास होता है। इसकी वजह है बादाम में मौजूद फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट। नंबर दो, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है बादाम। बादाम में मैग्नीशियम होता है जो काफी फायदेमंद होता है। ये डायबिटीज मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर बादाम का अच्छी मात्रा में लंबे समय तक सेवन किया जाए तो ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने में मददगार। ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में बादाम मदद कर सकता है। बादाम में विटामिन ई और मैग्नीशियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं और शरीर में आपके खून के फ्लो को ठीक करता है। इसके साथ ही ये मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। वहीं डायबिटीज रोगियों को कार्बोहाइड्रेट से भरे खाने का सेवन करना चाहिए। अब बात आती है कि कब और कैसी स्थिति में बादाम नुकसान करता है और किन लोगों को बादाम नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्या रहती है तो आपको बादाम खाने में सावधानी बरतनी चाहिए। मुट्ठी भर बादाम में लगभग 170 ग्राम फाइबर होता है। शरीर को रोजाना सिर्फ 25 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। तो अगर आप रोज 3 से 4 बादाम खाते हैं तो ये आपके शरीर में फाइबर की जरूरत को पूरा करता है। अगर आप ज्यादा बादाम खा लेते हैं तो ये पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि लूज मोशन और कब्ज की शिकायत पैदा कर सकता है। इसके साथ ये पेट में ब्लोटिंग जैसी समस्या की वजह भी बन सकता है। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो आपको बादाम की मात्रा पर ध्यान देने की जरूरत होती है। बादाम में काफी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। 3 से 4 बादाम में 0.6 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जबकि रोजाना आपके शरीर को इसकी 1.8 से 2.3 मिलीग्राम जरूरत होती है। तो अगर आप इससे ज्यादा बादाम खाते हैं तो इससे आपके शरीर को दवाइयों से मिलने वाले फायदे पर असर पड़ सकता है। आपके खून में ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, एंटीएसिड, लैक्सेटिव, ब्लड प्रेशर की दवाइयों और कई एंटीबायोटिक्स जैसे कि एंटीसाइटिक ड्रग्स का असर कम कर सकती है। बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, तो अगर आप ज्यादा बादाम खाते हैं तो विटामिन ई का ओवरडोज हो सकता है। विटामिन ई बालों और त्वचा के लिए अच्छा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट को सुरक्षा देने का काम करता है। 3 से 4 बादाम में आपको 7.4 मिलीग्राम विटामिन ई मिल जाता है। इससे ज्यादा लेने पर आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसमें बादाम आपकी मदद कर सकता है, लेकिन नियमित और नियंत्रित मात्रा में। बादाम में काफी कैलोरीज और फैट होता है। 3 से 4 बादाम में 168 कैलोरी और 14 ग्राम फैट होता है। तो अगर आप मुट्ठी भर बादाम रोजाना खाते हैं तो आप लगभग 500 से ज्यादा कैलोरी और 40 से 50 ग्राम फैट का सेवन करते हैं, जो कि वजन कम करने की डाइट को कम कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं तो बादाम की मात्रा पर ध्यान दें। तो कुल मिलाकर अगर आप एक सामान्य जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं और सामान्य डाइट पर हैं तो आपको एक दिन में 3 से 4 बादाम लेने चाहिए। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने आहार में किसी तरह का बदलाव अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल ना करें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक जरूर करें और क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।